मेरा सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में हरीश सालवे जी पर, 68 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, दूसरी शादी 2020 में ये किए थे, जिंदगी भर चलने वाली शादी इनकी 3 साल भी नहीं चली, अब ये 5 साल में ही देश को चलाना चाहते हैं। अब आप सोचिए, जिसकी शादी 3 साल नहीं चली, वो 5 साल वो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कौन लोग, जिन्हें देश के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं, जो कमेटी में हैं, ये सब के सब बहुरूपीय, पहले ही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है नेशन वन इलेक्शन, जो देश के संघीय व्यवस्था पर एक बड़ा छूट है, जो देश के संवैधानिक दायित्व पर एक बड़ा छूट है, और जिस तरीके से आप हमेशा कभी जाति जनगणना के खिलाफ हो जाते हैं, 3 बार जाति जनगणना के सवाल पर आपने अपना हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में बदला है, यह डर क्या दिखाता है? देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, शर्मा है, ताती है, चंद्रवंशी है, नुनिया है, कहार है, कुम्हार है, राम है, पासवान है, केवट है, भींद है, धानुक है, शाह है, चौधरी है, कलवार है, ये जो जातियां जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से बिल्कुल कुशवाहा है, जो कमजोर हैं, जिनको हमेशा से आप कभी कहते हैं जनगणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं कुछ होनी चाहिए, तो इतना कंफ्यूज देश की सरकार कैसे हो सकती है? आप अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, कभी आप इस देश को, देश के युवाओं के रोजगार पर भी तो बोलिए, देश के एजुकेशन पे भी तो बोलिए, देश के महिलाओं की सुरक्षा पर भी तो बोलिए, आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं। मेरा सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में हरीश सालवे जी पर, 68 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, 70 साल की उम्र में तीसरी शादी, दूसरी शादी 2020 में ये किए थे, जिंदगी भर चलने वाली शादी इनकी 3 साल भी नहीं चली, जिंदगी भर चलने वाली शादी इनकी 30 साल भी नहीं चली, अब ये 5 साल में ही देश को चलाना चाहते हैं। हम अब आप सोचिए, जिसकी शादी 3 साल नहीं चली, वो 5 साल वो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कौन लोग, जिन्हें देश के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं, जो कमेटी में हैं, ये सब के सब बहुरूपीय, पहले ही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, इन लोगों को स्क्रिप्ट दिया जा चुका है, और अब जब भाजपा मुक्त हो रही है देश, लगभग स्टेट सब कुछ, और जब आप देश के 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया, आप कभी अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी अखिलेश को आप गाली देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को गाली देते हैं, कभी आप स्टालिन को गाली देते हैं, उन्होंने, स्टालिन ने क्या कहा, उन्होंने कहा सनातनी सभ्यता संस्कृति हमारी ताकत है, लेकिन जिस सनातनी धर्म के नाम पर कट्टरवादी हिंदू पंथती दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को विचलित करती है, उसकी जीने के तरीका पर हमला करता है, वो वैसी कट्टरपंथी नहीं चाहिए, सनातन तो हमारी जीवन धारा है, सनातन तो हमारी विचारधारा है,
इन लोगों का जो बीजेपी का जो सनातन है वो दलित विरोधी सनातन है, वो अत्यंत पिछड़ा विरोधी सनातन है, वो पिछड़ा विरोधी सनातन है। और जो ऊंची जात के लोग सनातन को मानते हैं, कट्टरपंथ को नहीं मानते हैं, वो विरोधी हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ नफरत पैदा करने वाले हिंदू हैं, देश की संविधान कानून लोकतंत्र पर चलने वाले जो हिंदू हैं वो सनातनी हैं, जिसकी संख्या लगभग 95-96-97% है। उन्होंने ये बात कही और हम लोग बिल्कुल हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोग दूसरों के विचारों का, दूसरों के धर्म का, दूसरों के प्रतिष्ठा का, दूसरी जाति के सम्मान का ख्याल रखते हैं, इसीलिए हम सनातनी। जो दूसरों के धर्म को गाली देता है, जो दूसरी जाति को गाली देता है, जो दूसरे विचारधारा को गाली देता है, जो दूसरों की जिंदगी को कोलैप्स करता है, जो इंसानियत के दुश्मन हो जाए, वो कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। और बीजेपी और आरएसएस कभी सनातन हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन या जो चीज़ आप लाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं या दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ जॉब, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, यदि किन्हीं को लगता हो कि पप्पू यादव कैसे रोजगार दे देंगे, मैं एक दिन में, दो दिन में नहीं, बांग्लादेश जब अपने बैंकिंग सिस्टम से अपने देश को रोजगार दे सकता है, इज़राइल एक छोटा देश जब हर व्यक्ति की इकोनॉमी बढ़ा सकता है, तो पप्पू यादव भी अपने देश के हर घर को रोजगार दे सकता है। उससे ज़्यादा हमारे पास हुनर है, उससे ज़्यादा हमारे पास स्किल है, उससे ज़्यादा हमारे पास स्टार्टअप है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, हमारी नीयत नहीं है।